हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और इस संकट की घड़ी में आप लोग सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आज एग्जाम का कोई पता नहीं है कब शुरू हो जाए, क्योंकि आप लोग लेकिन हम लोग तैयार रहेंगे कि एग्जाम के लिए, जिससे कि आगे के लिए हमें समस्या ना हो। तो पिछली बार हमने पढ़ाया था 11 के वी इंसुलेटर, इस बार हम ध्यान देंगे 33 के वी इंसुलेटर पढ़ेंगे। उसके डिजाइनिंग में थोड़ा सा अंतर आता है, जैसा कि हम लोग 11 के वी इंसुलेटर पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, इस वाले में हम 33 के वी इंसुलेटर पढ़ेंगे, ध्यान बनाएंगे। और इसमें जो है बी एच बी पेंसिल और केच 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहेगा, आप जहाँ पर हल्के डैश डैश की जरूरत होती है वहाँ 2H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ डार्क लाइन ज़रूरत होती है वहाँ पर हम HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं हम लोग अपने 33 KV इंसुलेटर पे चलते हैं। तो 33 KV इंसुलेटर में हम सबसे पहले हम सेंटर लाइन खींचेंगे, सेंटर लाइन सेंटर लाइन खींचने के बाद से यहाँ पर हम ऊपर आधा यानी कि 1 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इतना बनाने के बाद इस साइड से 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड जाएंगे और 1.5 सेंटीमीटर राइट साइड जाएंगे। इसके बाद हम इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आएंगे, 3 mm नीचे आएंगे। 3 mm नीचे आने के बाद जो है यहाँ से हम स्केल रखेंगे, इस नाते की साइड हम जाएंगे 2.5 सेंटीमीटर, इधर से 2.5 सेंटीमीटर इधर और इधर से 2.5 सेंटीमीटर इधर। तो आपको एक बिंदु मिलेगा, यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा और यहाँ पे भी। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे खींच लेंगे, इस तरह से हम लोग खींच लेंगे। इसके बाद इस सीमा से हम 2 mm नीचे आएंगे, इस तक 2 mm नीचे आएंगे, तो 2 mm नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएंगे। वो भी इस तरह 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर इस तरह से लाइन बनाएंगे। इस तरह से बनने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को जो हम आ चुका था इसको हम यहाँ सीधा मिला देंगे। इतना मिलाने के बाद इस जगह पे हम इस वाले बिंदु पर हम 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 यानी कि 5 mm डाया का हम अर्धवृत्त बनाएंगे। इसको सीधा यहां से मिला देंगे, इसको यहां से सीधा मिला देंगे। इसके बाद इस बिंदु से 1.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, सेंटर लाइन से 1.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, 1.5 सेंटीमीटर नीचे आने के बिंदु मिलेगा। इस बिंदु से इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और 5 सेंटीमीटर राइट साइड जाएंगे। 5 सेंटीमीटर इधर आएंगे, एक बिंदु यहां मिलेगा, 5 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे यहां पे सीधा मिला देंगे।
इसको मिलाने के बाद यहाँ पे कर किसके, कर किसके हम सेंट्रल लाइन करते जाएंगे इसको, सेंटर लाइन देते आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर इस तरह से हम लोग डिजाइन बनाएंगे, इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। इसकी लाइन के सिग्नल नीचे आएंगे, नीचे आएंगे यहां तक कि हमारा बन रहा है, यहां इसके बाद जो है ये हम यहां तक नीचे आते हैं। इसके बाद इस वाले बिंदु से थोड़ा सा इस साइड में आके थोड़ा सा इस साइड, यानी कि हम यहाँ लगभग आधा सेंटीमीटर इस साइड में मार सकते हैं। आने के बाद यहाँ पे हम इसकी मोटाई का इसकी मोटाई का 3 mm मोटा का हम क्या करते हैं यहाँ तक खींचते हैं। इसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, फिर नीचे आते हैं, तो जब नीचे आएंगे तो यहाँ से हम जो है थोड़ा सा ज्यादा करके हम क्या करेंगे, ये जो है फिर हम यहाँ से यहीं की दिशा यहाँ से लेकर या थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज्यादा करके इस तरह से हम लाइन खींच लेते हैं। इतना लाइन खींचने के बाद यानी इतना लाइन यानी किसी से आप सीधे में कर सकते हैं इसको, इसके इसी सीधे में रखेंगे इतने यहाँ तक खींचते हैं। ये जो रहेगा हमारा 3 mm रहेगा, हमारा 2 mm। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा अंदर जाएंगे यहाँ तक, और ये देखते हैं ये जो डायमीटर होगा वो जो होगा वो यहाँ तक आएंगे। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा अंदर तक आएंगे यहाँ तक, ये सेम वही डायमीटर रहेगा, सेम यही डायमीटर रहेगा। यहां तक आएंगे, इसके बाद जो है ये जो गहराई जो रहेगी उसकी हम यहां तक ले आएंगे, यानी कि इसके डायमीटर के इसी के पास तक हम ले आएंगे। यहां तक ले आने के बाद ये हमारा बिंदु मिलता है, इस पॉइंट पे हम 2 cm इस पॉइंट से, इस पॉइंट से 2 cm नीचे जाएंगे, 2 cm नीचे आते हैं ये मिलेगा। इस साइड पे हम जब इधर बढ़ेंगे तो जो हम बढ़ते हैं वो इसके इस वाले पैटर्न का आधा आता है, मैं हमारा ये बिंदु यहां मिलेगा और इस सेक्शन का जो आधा वाला बिंदु है जो यहां है, इस बिंदु को हम क्या करेंगे इससे सीधा मिला देंगे और सेम इसके साथ भी होगा, हम इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद जो होता है, मिलाने के बाद हम यहां से कर्व बनाते हुए इसको हम सेंटर लाइन से मिला देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें यहां थोड़ा सा कर्व बनेगा, कर्व बनने के बाद, कर्व बनने के बाद जो है इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद इस बिंदु से हम सीधा कितना 3.5 cm नीचे जाएंगे, इस बिंदु से 3.5 cm नीचे जाएंगे तो यहाँ एक बिंदु मिलेगा। इस साइड से हम इस साइड में आएंगे, इस साइड से थोड़ा सा इस वाली लाइन से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा तो कम खींच लेंगे, यानी कि थोड़ा सा कम रखेंगे यहाँ पे, इस इन दोनों के बीच वाला पार्ट जो होगा हमारा थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आ मिलेगा, ये भी सेम इतनी ही दूरी हम
इस वाले टेबल की दूरी हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप में करेंगे। इन दोनों के 20 का पार्ट है, इन दोनों के क्या था 20 का, ये जो हमारा डायड है इसके 20 का पार्ट यहाँ पे मिलेगा। ध्यान रहे इसको जो हम बनाएंगे तो हम इसको जो है इसके लाइन ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो ध्यान रखा जाता है कि जब हम इसका डायमेंशन बनाते हैं तो ये जो रहेगा, ये जो रहेगा, ये हमारा इससे जो है थोड़ा सा अंदर, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच ये जो है दोनों के बीच का पार्ट, इसको हम क्या करेंगे आगे मिला देंगे। मिला लेंगे यहाँ से ऐसे कर बनाएंगे और कर बनाते हुए अंदर तक जाएंगे। ये जो जाएगा आपका लगभग आपका पॉइंट सेवन तक अंदर तक जाएंगे। पॉइंट आपको कितना ले जाएंगे, 0.7 या 0.8, यहाँ 0.8 तक हम अंदर ले जाएंगे इसको। यहां तक जाएगा, इसके बाद जो है हम जो है इस वाले पॉइंट, इस वाले बिंदु को हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा अंदर तक ले जाएंगे, अंदर तक ये वाला हमारा जो होगा इस बिंदु यहां तक जाएगा, जो हमने ये डायमेंशन ले रखा था इस वाले में, ये हमारा क्या होगा, ये डायमेंशन तक जाएगा यहां तक, यहां के बाद जो है हमारा सीधा कर बनाते हुए यहां तक आ जाएगा, सीधा कर बनाते हुए यहां तक आ जाएगा। ये जो डायमेंशन होगा यहां तक कर बनाते हुए यहां तक जाएगा और ये जो डायमेंशन होगा इस तरह से बना लेते हैं। और इसको हम क्या है, ये वाले दूरी को हम आगे इस तरह से हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ तक चला जाता है। ये पूरा का पूरा आपका 35 केवी इंसुलेटर बन के तैयार हो जाता है। ये पूरा 35 केवी इंसुलेटर में जो हमारे थोड़ी सी डायमेंशन में अंतर होता है, यहाँ पे अंतर आता है और कहीं पर अंतर नहीं, और ये वाले जो है अंदर चला जाता है, कुछ डायमेंशन में थोड़ा सा अंतर आया है। इस तरह से हम ध्यान रहे ये हमारा कितना रहेगा, ये हमारा 1 mm, यहाँ से हम 1.5 सेंटीमीटर इधर आते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, इसके बाद 2-3 mm हम नीचे आते हैं, 3 mm नीचे आने के बाद हम इस सेंटर लाइन से 2.5 सेंटीमीटर इस साइड, 2.5 सेंटीमीटर इस साइड जाते हैं, तो बिंदु मिलता है इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। इसके बाद हम 2 mm नीचे आते हैं, फिर हम 1 ले आए, फिर इसको सीधा मिला लेते हैं, फिर 0.5 सेंटीमीटर का हम यहाँ घर बना लेते हैं, 0.5 सेंटीमीटर का एक घर बनाते हैं, इसको मिलाने के बाद सीधा इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम नीचे 1.5 सेंटीमीटर आते हैं, 1.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इधर आए, 5 सेंटीमीटर ये बिंदु मिलता है, इसको हम क्या करते हैं सीधा मिला देते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ तक सेटेलाइट करते हैं, इसको यहाँ से हम कर बनाते हैं, ऐसे कर बना लेते हैं, कर बनाते हैं। ये थोड़ा सा कम रहे, ये थोड़ा सा रहेगा, ये थोड़ा सा अंतर ज़्यादा रहता है। इसके बाद हम इसको नीचे तक आते हैं, इस लाइन तक आते हैं, इस लाइन तक आने के बाद जो है इसको हम यहाँ सीधा मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम इसके थोड़ा सा ये जो हमारे डायमेंशन है इसके यहाँ तक आते हैं, यहाँ आने के बाद जो है उसको यहाँ से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये हमारी प्रक्रिया क्या होती है, सारी पूरी हो जाती है, ये हमारा 35 kg इंसुलेटर बन जाता है। इसका डायमेंशन देना होता है, कितना डायमेंशन एक्चुअल होता है, तो एक्चुअल डायमेंशन जब हम शो करते हैं तो ध्यान रखते हैं जो जो डायमेंशन जो होता है ये हमारा रहता है, पच्चीस फाइव, यहां तक की जो दूरी रहती है हमारी 105 फाई
कितनी रहती है? 105 पाई। पाई का मतलब होता है कि वो जो है वृत्ताकार आकृति है, जिसकी वजह से वो वृत्ताकार आकृति है, और देखा होगा आप लोगों ने वृत्ताकार होता है, तो उसका हम फ्रंट भी दिखा रहे थे, हमको फाई दिखा, डाया दिखाते हैं, डाया इतना है। और यहां से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 125 होती है। कितनी होती है? 125 होती है। सेम अब हम नीचे आते हैं, इसका जो डायमीटर होता है वो जो हम लिखते हैं 300, क्या लिखेंगे? 300 होता है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो आता है यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ये हमारा 210 होता है। ये हमारा कितना रहेगा? 210 रहेगा। यहां से यहां तक का जो दूरी होता है वो हमारा होता है 125। कितना रहता है? ऊपर वाला 125 ही रहता है। यहां तक हमारा कितना रहेगा? 125 रहता है। 125 के बाद जो है ये जो हमारा डायमीटर होता है ये वाला, ये जो डायमेंशन होता है वो आपका जो है वो आपका 138 होता है। वो आपका ढाई तो होगा। कितना होता है ये हमारा? ढाई तो होता है जो नीचे तक है, ये ढाई तक रहता है। और ये जो डायमेंशन होता है, हाँ, इसमें ये जो डायमेंशन रहेगा आपका या फिर हम जल्दी दिखा देते हैं, ये जो डायमेंशन आपका रहेगा उस वो जो रहता है वो आपका 54.5 होगा। 54.5 रहेगा ये जो डायमेंशन होगा, ये आपका होता है 95.5। 95.5। और ये आपका ढाई तो है, वो आपका कितना है? ढाई तो है। और ये जो यहां से ये जो हमारा बिंदु यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है वो होती है हमारी 138। यानी इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है वो आपका 12 है, सॉरी ढाई है। और ये जो हमारा ढाई था ये हमारा 138 रहेगा। ये हमारा ढाई था, ये हमारा 138 रहेगा। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसकी जो यहां से लेकर बॉटम पॉइंट तक की जो दूरी थी, पिछले वाले हमने 37 पढ़ा था, इसमें जो रहता है वो 110 रहता है। कितना रहेगा? 110 रहेगा। फिर इस साइड में चलते हैं,
हमारा छः रहता है, ये हमारा छः रहेगा, ये हमारा सात रहेगा, और ये जो रहता है हमारा बीस रहता है, ये हमारा बीस रहेगा, छः रहता है, सात रहता है और बीस रहता है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दूरी होती है वो 45 होती है। ये हमारी 45 होती है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी होती है, यहाँ से इस जगह से यहाँ तक की दूरी, इस जगह से यहां तक की जो दूरी होती है वो 96 होती है, और यहां से सबसे निचले वाले पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो 57। कितना होती है? 57 होती है। याद रखिए इसमें यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान रहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो 35 होती है। ये जो दूरी होती है आपका ये 15 होती है, और ये जो दूरी होती है आपका ये 25 होती है। ये जो R होता है रेडियस, ये जो रेडियस R होता है वो आपका 9R होगा, आपका 9R होता है। हाँ, अभी इसमें हम जिसमें हमारा क्लैंप फंसता है वो हमने नहीं बनाया, तो यहाँ पर ध्यान रहे यहाँ पर इसको बना लेंगे। बनाने के लिए इस बार जो हमारा बिंदु था, देखो आपको यहाँ से थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, आधा सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद 1 सेंटीमीटर साइड और 1 सेंटीमीटर इधर, तो हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ ऐसे इस तरह से हम नीचे आते हैं, सबसे निचले वाले बॉटम तक जाते हैं, बॉटम तक जाएंगे और आधा आधा सेंटीमीटर पर बिंदु डिसाइड कर लेंगे। ये जो आपका रहेगा वो 1 सेंटीमीटर रहेगा, कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर अंदर जा रहेगा। ये अंदर का सेक्शन बन जाता है, अंदर का जो हमारा इसमें क्लैंप कसा जाता है वो हमारा सेक्शन बन गया। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो है 33 kg इंसुलेटर बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहें, ये जो दूरी है उसको आप फॉलो करेंगे। अब इसके क्लैंप में आते हैं, क्लैंप में जो है सेम ये वाला दूरी हम 1.5 से 1.5 सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ तक आएंगे 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे तक, इसके बाद यहाँ पर हम ये बनाएंगे। इसके बाद ये वाला जो रहता है वो हमारा 1 सेंटीमीटर रहता है, 1 सेंटीमीटर इसको हम 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाते हैं, इसके बाद 1 सेंटीमीटर ऊपर कर से इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद ये हमारा जो रहेगा ये जो यहाँ से हम 0.6 और इधर 0.6 ले जाके 2 mm नीचे ले जाते हैं, इसको इस तरह बना लेते हैं और आधा सेंटीमीटर तक नीचे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कर्व बना लेते हैं इस तरह से, ये सारी चीज़ें ऐसे बना लेंगे। ये हमारा 0.5 रहेगा तो हमारा 0.4 रहेगा, बना लेते हैं। इसे बनाने के बाद इसको हम मिला लेते हैं, हमारा कट तैयार हो जाता है। इसके बाद जो दूरी रहती है ये हमारा 2 रहेगा, ये हमारा 10 रहता है, ये हमारा 8 रहता है। हाँ, यहाँ पर जब हम इसकी इस पे ध्यान देते हैं, इसका हमारा जो होल ये हमने ये जो गहराई डाल रहेगा हमारा 76 ही रहेगा, सॉरी ये हमारा कितना रहेगा 75 ही रहता है, 75 रहता है। और जो इसका
डाया होता है जो हमारा जोड़ी कटी रहती है बोल्ट का, वो जो डाया होता है वो 37 कितना होता है, 37 होता है। तो 37 को हम लोग, ये जो डाया लगेगा हमारा 37 रहेगा, ये हमारा कितना रहेगा 37 रहेगा, और ये जो रहता है वो आपका होता है 24। ये हमारा 24 पाई होता है, और ये हमारा होता है 38 पाई होता है, वोल्टेज का बड़ा होता है, और ये जो वर्कल का जो डायग्राम होता है वो हमारा 40 होता है। चालीस होता है इसका भी, यहां से यहां तक का जो हमारा चित्र होता है ये हम बना लेते हैं ऐसे 2 mm करके, ये हमारा नट इसके कसने के लिए होता है, ये हमारा होता है 50। यहां तक हमारी चूड़ी नहीं कटी रहती, इसके बाद चूड़ी कटी रहती है, ये हमारा जितनी चूड़ी कटी रहती है, जितनी चूड़ी कटी रहती है वो हमारा 100 रहता है, और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो चूड़ी कटी रहती है वहाँ 76 रहता है, जितनी चूड़ी नहीं कटी है और नहीं भी कटी है वो दोनों मिला के इसका जो दूरी होती है वो हमारा कितना होता है 300 होता है। ये हमारा पूरा का पूरा प्लान बन जाता है। इस तरह से आपका 33 kV पिन इंसुलेटर भी कम्प्लीट हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार, और सारे डायमेंशन जो है आप इंडियन स्टैंडर्ड रूल के थ्रू, इंडियन जो है इलेक्ट्रिकल रूल्स के थ्रू हम इसको फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें हम दो एक बार प्रैक्टिस करके उसको आप बढ़िया से बना लेंगे। आज एक दो बार बैठिए और सारी जो है डायमेंशन जो भी आप खींचेंगे वो स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, बिना स्केल, हाँ कहीं कहीं पे आप फ्री हैंड जरूर लगाएंगे, जैसे कि आप यहाँ कर बना हुआ तो आप हाथ से कर बना सकते हैं, लेकिन आप साफ सुथरे और सुंदर ढंग से बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें जो है इधर उधर करेंगे तो आप सुंदर नहीं बनेगा तो उसमें नंबर कटते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।